नाज़रीन आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट के रहायशी ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी मरियम नवाज़ के नाम वसीयत कर दी। अभी हम उस शहरी से रابطہ करते हैं और सारे हकायक जानते हैं कि क्यों उन्होंने ये प्रॉपर्टी अपने उनके नाम की। अभी उनका ज़रा नंबर डायल करते हैं। सर आपकी कितनी प्रॉपर्टी है जो आपने मरियम नवाज़ के नाम की है? मुझे नहीं पता ये कितने हैं, तो इसके अंदर से जो मेरा हक होगा वो करूंगा, अदरवाइज किसी की तो नहीं कर सकता। सर इसके पीछे आपके कोई सियासी मकसद है? मरियम नवाज़ के जहन पे सवार होना था या क्या मकसद है इसके पीछे? आप मानो तो ऐसे आदमी के ऊपर जो ऐसा क्वेश्चन भी करेगा। मैं खुद मालिक हूँ, मैंने ये काम किया है कि हमारे इधर गांव में छोटे छोटे जमीन बच्चे हैं और छोटे गरीब लोग हैं, तो अगर इसके अंदर कुछ इन्वेस्ट हो जाएगी, कुछ हॉस्पिटल बन जाएगा और उसके बाद कुछ फैक्ट्री लग जाएगी हमारे गरीब लोग भी, तो जो अपनी खुशी से वो अपने लिए रख सकती है वो रखे। ठीक है। नहीं तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद ये आपकी जमीन जो है ये किसी कब्जे में कोई रोले में है, तो आपने इस वजह से मरियम नवाज के नाम किए गए उनके माइंड में आ जाएगा और इस सिलसिले में आप अपनी जमीन वापस भी ले लेंगे। सर मेरी बात सुने। जी जी। साथ में जो रहने वाले लोग हैं अगर वो घास बकरी चराते तो उनका कब्जा तो नहीं होता? हाँ जाहिर बात है वो तो कोई कब्जा नहीं, मतलब आपने अपनी रजामंदी में मरियम नवाज के नाम किया और ये मरियम नवाज की मोहब्बत में की है। ये इंसानियत के लिए किया है, मोहब्बत नहीं है। वो एक अच्छे बाप की बेटी है, उसका काट काट है, उनका उसूल है। उन्होंने डाउन पिटी के अंदर भी हॉस्पिटल बनाए हैं ये इंसानों के लिए। तो इंसान जो है ना, इंसान आप पार्लियामेंट में अभी देखेंगे इंसान का ताकत बहुत कम है। इंसान जो इंसान है इंसान से ही आगे बाजरा बनता है, इंसान से ही ये सब चीजें बनती है। तो मतलब आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई हॉस्पिटल बना दिया जाए, कोई स्कूल बना दिया जाए, कोई इस तरह की चीज बना दी जाए? सर स्कूल पहले जैसे आपका अच्छा कस्टम है, यहाँ आप आए देखें, यहाँ व्यक्ति खाने बने हुए हैं। हमने आज तक उसने अराजी से 1 रुपया कर्जा मालदानी लिया है उसने अराजी से। ठीक है, कार्ड मौजूद है। ठीक है, ये रोडें बनी हुई हैं, हमने वो भी नहीं दिया है। अभी ये जो हमारी अराजी से नई रोडें जा रही हैं, तो ये लोग आके वो एक जम कट्ठा करके वो अपने अपने ऐसे फाल के अपनी डिस्मिन जाते हैं कि हमें माफ कर दिया जाए। इस पे आपके साथ भी रابطہ किया गया, मतलब मरियम नवाज की तरफ से या कोई सीनियर क्यादत ने आपसे रابطہ किया? मैं ये सिंगल फोन है वो दूसरा नहीं है। ठीक है, तो मत वो अगर टूट हुआ होगा तो वो भी मुझे सही तरह से देखा नहीं है या पढ़ा नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा आपको नहीं पता ट्वीट के बारे में? ट्वीट के बारे में भी नहीं पता, तो उसके अंदर यही है कि अगर वो इंशाल्लाह रابطہ होएगा उनसे मेरा, तो उसके अंदर एक जो ऐसी जो इशू है जो मैं उनको बाजार खुद शेयर भी करूँगा कि इसमें आप मैं फॉर मार्क्स रिपोर्ट ले लें कि मेरी अराजी इन नंबरात के अंदर कितनी बनती है। तो जो मेरी बनती है तो मैं अपने बच्चों के लिए 50 साल छोड़ के बाकी सारी मरियम नवाज को। अच्छा अभी तक मतलब कोई रابطہ नहीं हुआ सीनियर क्यादत की तरफ से आप आपके साथ? मतलब डायरेक्ट फोन पे ऊपर मेरे साथ नहीं होता, अगर ट्यूट होगा तो उसका मजाक देगा। ठीक जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन ये हैं वो साहब जिनकी मलकियत है और जिन्होंने सारी की सारी मलकियत मरियम नवाज़ के नाम लगा दी और आपने अभी इनका मौका बुझाना। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप इस पर क्या कहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।